और लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा ये टाइप नंबर 3 है, आप अपनी बुक के ऊपर से हाईलाइट कर सकते हैं कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस T1, सेकंड नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस बेटा T2 टाइप, ठीक है, टाइप नंबर 2, और लास्ट 3 क्वेश्चंस बेटा टाइप नंबर 3 के हैं, यानी कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के अंदर पैटर्न सेम है, नेक्स्ट 4 के अंदर सेम है, लास्ट 3 के अंदर सेम है, क्लियर हो गई बात बेटा। आज हम इस लेक्चर में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं जी आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि 2x + 5 is equal to square root of 7x + 16, क्या करेंगे बच्चे आप? सर सबसे पहला काम तो आपका मेन यहां पर ये होगा कि आप स्क्वायर रूट को खत्म करें, ठीक है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए बेटा सिंपल सी बात, सर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा सर बहुत सारे। हम यहां पर क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो 2x + 5 इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 7x + 16 इसके ऊपर भी बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए बच्चे लेफ्ट साइड पर 2x + 5 होल स्क्वायर है, इट मींस यहां पर आपके पास क्या हो रहा है सर, फार्मूला वैल्यू हो, 2x की वैल्यू और 5 आपकी कौन सी वैल्यू कंसीडर की जाएगी, तो यहां पर देखिए a वैल्यू का स्क्वायर फार्मूला अपन कर रहे हैं, b वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a वैल्यू 2x और b वैल्यू बेटा कौन है 5, जबकि राइट साइड में बेटा अगर आप देखें तो स्क्वायर स्क्वायर से क्या होगा कैंसिल, और आपके पास बेटा सिर्फ राइट साइड पे कौन आ गया 7x + 16। अगर आप नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं बेटा तो आपके पास यहां पर 2x का स्क्वायर कौन होगा 4x स्क्वायर, सर 5 का स्क्वायर कौन होगा 25, सर 2 2 सर 4 4 5 सर 4 5 का बेटा कौन हो जाएगा 20x, और राइट साइड पे बेटा कौन है 7x + 16, क्लियर हो गई बात। अब बेटा देखिए लेफ्ट साइड की रेडियस है राइट साइड, सर लेफ्ट साइड की रेडियस, ठीक है, तो हम राइट साइड वाली दोनों टर्म्स को मूव करवा देते हैं कहां पर, लेफ्ट साइड, तो देखिए बच्चे 4x स्क्वायर एज इट इज बेटा 20x में से माइनस होगा कौन आकर 7x, और उधर लेफ्ट साइड पर कौन था 25, और राइट साइड से बेटा 16 आपका इसमें से माइनस हो गया, इक्वल टू की राइट साइड पे कौन आ गया बच्चे 0। अब सर 4x के एज इट इज 20x में से 7x माइनस कर दें बेटा, अगर आप बाकी कौन आ जाएगा 13x, सर 25 में से अगर आप 16 माइनस कर दें तो बेटा जी प्लस का 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब सर इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई सर, तो मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे आप सर, 9 4 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
प्लस नन। आपके सामने दो फैक्टर्स आ गए, हम कहेंगे कि आइदर यहां पे x नॉन जीरो के इक्वल होगा या फिर 4x प्लस 9 जीरो के इक्वल होगा। यहां से x की वैल्यू बेटा कौन आ गई -1 और यहां से बेटा अगर x की वैल्यू निकालें तो 4x इज इक्वल टू -9 4x इज इक्वल टू -9 क्योंकि प्लस 9 है राइट साइड पर आता है क्या हो जाएगा माइनस और x इज इक्वल टू 4 इज मल्टीप्लाई और राइट साइड पर आता है बेटा कौन क्या हो जाएगा निकालें। तो आपके पास बेटा x के दो आंसर आ गए। सही नहीं आप करेंगे हम नो सर नाइन क्लास में ये चीज बड़ी क्लियर थी सर मैंने आपको वहां पर ये लाइन अंडरलाइन करवाई थी क्या सर कि रेडिकल इक्वेशंस के केस में चेकिंग क्या होती है मस्ट मस्ट का मतलब सर लाजमी है करेंगे तो ठीक है मार्क्स मिल जाएंगे नहीं करेंगे तो सर मार्क्स डिडक्ट होंगे तो ये ही हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं हमें क्या पता है कि कौन सा आंसर सॉल्यूशन सेट में लिखना है कौन सा आंसर एक्सोनियस होगा यानी कि कौन सा आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा आंसर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो चेकिंग से पता लगेगा ना।
और रेडिकल इक्वेशंस के केस में लाजमी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो चेकिंग के लिए आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा लिखोगे, तो 2x plus 5 is equal to square root of 7x plus 16 आ गया बच्चे भाई। क्या करेंगे, दो आंसर आए x के, ये दोनों आंसर वन बाय वन पुट करके चेक करते हैं। तो पुट x is equal to minus 1, तो बेटा 2x की जगह पे minus 1 plus 5 is equal to square root of 7 into minus 1 plus 16, जहां जहां पे मुझे क्या दिखाई दिया बेटा x, मैंने उसकी जगह पर क्या पुट कर दिया minus 1। 2 into minus 1 minus 2 plus 5 is equal to 7, minus का plus का 16, 5 minus 2 करेंगे बेटा 3 आ जाएगा, और 16 में से आप 7 को minus करोगे तो आपके पास कौन आ जाएगा 9, और 3 is equal to क्या आ जाएगा बेटा 3। left और right side same आ गई, इसकी वैल्यू अभी से जो हमने निकाल ली, yes sir, ये तो statement true हो गई है, it means ये जो answer हमने पूरे दिया था इसको हम solution set में लिख सकते हैं। clear होगी बात। नेक्स्ट बेटा आप देखें, इसका जो सेकंड आंसर था माइनस 9 ओवर 4 उसको चेक कर रहे हैं, अगेन आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे 2x plus 5 is equal to square root of 7x plus 16, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप बेटा वैल्यूज पुट करेंगे, अब हम यहां पे हेडिंग लिखते हैं पुट x is equal to minus 9 ओवर 4, तो जहां जहां पे अब हमें क्या नजर आ रहा है सर x, पुट क्या कर देंगे 9 ओवर 4, ठीक है, इसको चेक कर रहे हैं क्या इसको भी ये भी सॉल्यूशन सेट में कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो देखिए बच्चे 2 1 से 2 2 2 से 4 माइनस का 9 ओवर 2 प्लस 5, रेडिकल साइन में आ जाएंगे 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 63 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा प्लस का 16। देखिए बेटा लेफ्ट साइड पे इसमें कौन आ गया 2 2 से कैंसिल माइनस 9, इसके डिनोमिनेटर पे 1 है 1 डिवाइडेड बाय 2 2 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 बेटा कौन हो जाएगा 10, जबकि राइट साइड पे रेडिकल साइन के अंदर अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम कौन आ जाएगा 4, और 4 4 से कैंसिल माइनस 63, इसके डिनोमिनेटर पे भी 1 1 डिवाइडेड बाय 4 4 4 into 16 बेटा कौन आ जाएगा 64, 10 माइनस 9 बेटा कौन आ गया 1 ओवर 2, यहां पर बेटा कौन आ जाएगा 1 ओवर 4, और आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो आंसर कौन आ जाएगा 1 ओवर 2, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, तो इट मींस हम क्या करेंगे बेटा इनर एंड इन दोनों आंसर्स को किस में लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में, अगर दोनों आंसर बेटा वेरीफाई कर गए हैं तो दोनों के दोनों आंसर्स किस में लिखे जाएंगे बेटा सॉल्यूशन सेट में। क्लियर होगी बात। अब देखिए बच्चे इसमें हम दो तीन केसेस और भी बात कर सकते हैं सर, कौन से कि आपके पास पहली चीज तो ये आ गई कि अगर आपके पास एक आंसर पुट कर दोनों आंसर पुट किए यहां पर एक आंसर पुट करने से सेटिस्फाई कर रहा है वो एक आंसर पुट करने से सेटिस्फाई अगर ना करता तो हमने एक आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिखना था एक को नहीं लिखना। क्लियर हो गई बात। एक चीज से ये मिसर दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर दोनों आंसर लिखेंगे जिस तरह से ये पार्ट अभी हम डिस्कस कर, और तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों के दोनों ही पुट करने से रूट्स आंसर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जब उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उस केस के अंदर आपके पास दोनों आंसर क्या होंगे एक्सट्रूनियस, और सॉल्यूशन सेट क्या होगा बेटा एम्प्टी होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा एम्प्टी। तो लेट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आपने क्या काम करना है इसको अच्छी तरह से अटेंटिवली अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड करना है, और सेकंडली सर आपने इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका होमवर्क है वो आप इसे उधर अटेंड करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।